like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर में एक बहुत ही छोटा सा एक प्यारा सा गांव है एकदम बीच में. उस गांव का नाम है हकीमपुर विलेज. ये एक बॉर्डर है बट वहां पर ऐसे बॉर्डर क्रॉस करके इधर उधर कोई नहीं जा सकता है. कम्प्लीटली एक लॉक्ड बॉर्डर है इंडिया और बांग्लादेश में, बांग्लादेश के बीच में. और ये गाँव बहुत ही खूबसूरत है. वहाँ का सीन ऐसा है, सिंपल रोड है, रोड के इस साइड है बांग्लादेश और रास्ते के इस साइड है इंडिया. एंड बीच का जो रास्ता है ये एक न्यूट्रल जगह है. सो दोस्तों आज मैं उस बॉर्डर को एक्सप्लोर करने जाना हूं, बाइक से एक्सप्लोर करने जाना हूं. मेरे घर से उस जगह का डिस्टेंस है लगभग 70 किलोमीटर. तो 70 किलोमीटर बाइक राइड करके मैं वहां पर जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, एक्सप्लोर करूंगा द ब्यूटीफुल इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर विलेज हकीमपुर. तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं अपना जर्नी. तो चलिए दोस्तों जर्नी शुरू हो चुका है यार. वेदर देखिए लॉन्ग राइड के लिए, एक मोटो ब्लॉक के लिए परफेक्ट है. सुबह से झमाझम बारिश हो रहा था बट अभी बारिश कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत सा एनवायरनमेंट है. रोड धूप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बारिश भी नहीं है. फीलिंग सो मच एक्साइटेड. सो गाइज मैं जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने हकीमपुर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर वाला विलेज. और देखना बहुत ही खूबसूरत होगा, इंडिया का एक बहुत ही छोटा सा लास्ट स्टॉप, मीन्स इंडिया का लास्ट स्टॉप का मतलब उस गाँव में जाकर इंडिया पूरा खत्म हो जा रहा है. वहां पर जाकर जीरो पॉइंट है. तो पूरा दिखाएंगे, पूरा एक्सप्लोर करेंगे, नेचर को भी एक्सप्लोर करेंगे, बंगाल का गांव को भी एक्सप्लोर करेंगे. ऑलरेडी मैं मेन रोड पे आ चुका हूं. तो चलिए देखते हैं आगे आगे होता है क्या. Bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Already 50 किलोमीटर मैं ऑलरेडी बाइक राइड कर चुका हूँ आउट ऑफ 70 किलोमीटर. टोटल मेरा डेस्टिनेशन है 70 किलोमीटर का. ऑलरेडी 50 किलोमीटर बाइक मैं राइड कर चुका हूँ. स्पीड ब्रेकर है भाई, स्पीड ब्रेकर. ओके, तो मैं जो भी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, जस्ट लुक एट द सिनेरियो, जस्ट अनदर स्पीड ब्रेकर ऑफ माय गुडनेस. तो मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अभी दोस्तों ये एक बहुत ही खूबसूरत सा एक देखो जगह, चारों तरफ देखो, दोनों तरफ बहुत ही हरे भरे हरियाली है और बीच में से एक बहुत ही खूबसूरत सा स्मूथ रोड है. और जनाब मैं यहाँ पे बाइक चला रहा हूँ लगभग 70 किलोमीटर पर आवर एंड फीलिंग सो मच एक्साइटेड. एंड रास्ता बहुत ही खाली खाली है इस रास्ते का. एक अगर जब कोई विलेज साइड में जाओगे तो देखोगे रास्ते में इतना ट्रैफिक नहीं होता है. क्यों नहीं होता है ये तो एक्चुअली यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कितना झमेला नहीं है, बट ये वाला गाँव का रास्ता बहुत ही अच्छा है. क्योंकि अच्छा है क्यों, क्योंकि ये बॉर्डर का एरिया है. तो इसीलिए यहाँ पर जो आर्मी के जो लॉजिस्टिक सप्लाई होता है इस रास्ते से, मैंने पहले भी यहाँ पर आया था और मैंने देखा था जस्ट लाइक हाउ द आर्मी कार्गोज आर गोइंग ऑन दिस वे. इसीलिए इस रास्ते को बहुत ही मेंटेन करके रखा जाता है और बहुत ही एक जस्ट लाइक ऑयल मेंटेन्ड रोड है जो बॉर्डर तक जाता है. बट ये कोई हाईवे नहीं है, लेट मी मेंशन यू. हाईवे का मतलब होता है आपका दूसरे देश से कनेक्टेड होता है. ये बॉर्डर तक जाता है बट उस देश से कोई कनेक्शन इस रास्ते का नहीं है. अंडरस्टूड. जो पहले रास्ते में था, जो मेन रोड में था, जोशोर रोड NH 35 से मैंने राइट ले लिया
और NH-35 एक नेशनल हाईवे है, क्यू के NH-35 में जो बॉर्डर तक जाने के बाद उस रास्ता कंटिन्यू होता है बांग्लादेश साइड तक, पर ये रास्ता बॉर्डर तक जाकर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद नहीं है। तो दिस इज़ नॉट द हाईवे। जिस एरिया में देखो ये पूरा एग्रीकल्चरल बेस है, पूरा एग्रीकल्चरल बेस है। यहाँ के ज़्यादातर लोग लगभग 80% लोग दे डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। मैं आधे घंटे बाद यहाँ पर एक जस्ट लाइक पेट्रोल पंप देख रहे हो, पेट्रोल पंप भी बहुत कम है। और कोलकाता एकदम मेन सिटी से, अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हो तो एयरपोर्ट से आपको बाइक से लगेगा कितना किलोमीटर, लगभग 100-120 किलोमीटर तो होगा ही कन्फर्म, क्योंकि 100 किलोमीटर तो होगा, इससे ज़्यादा कम नहीं। क्योंकि मैं रहता हूँ बाराशत में, बाराशत से ये लगभग 70 से 72 किलोमीटर कन्फर्म है। और ये एक पूरा इंटीरियर विलेज है, पूरा एकदम इंटीरियर गांव है, एकदम पूरा कंप्लीट विलेज। और अगर आप बाई रोड आना चाहते हो इस गांव को एक्सप्लोर करने के लिए, आपको आना पड़ेगा कैसे, अगर आप ट्रेन से आपको आना पड़ेगा, ट्रेन से आपको कोलकाता सियालदह स्टेशन से ट्रेन अगर पकड़ोगे बोनगा जंक्शन जाने का किसी भी ट्रेन, आपको उतरना पड़ेगा मसलोंगपुर, वहाँ से डायरेक्टली बस जाता है DN-35, 20-25 रुपये बस फेयर है। और ट्रेन का टिकट होगा सियालदह से 20 रुपीज़ से ज़्यादा तो नहीं होगा। तो ये था कम्प्लीटली लोकेशन। और बॉर्डर के नज़दीक पहुँचने के बाद एक ब्रिज मिलेगा, उस ब्रिज में इंडियन आर्मी का भी पोस्टिंग रहता है, वहाँ पर जाकर अगर पॉसिबल हो मैं शूट करूँगा, नहीं बिना अदरवाइज़ मैं मोबाइल को मैं बंद कर दूँगा, क्योंकि वो थोड़ा सा सिक्योरिटी की भी कंसर्न है। क्योंकि मैंने सुना था, मुझे पता नहीं सही और क्या गलत, वहाँ पर अगर दुश्मन को पता चल गया बॉर्डर एरिया में कोई कनेक्टिविटी ब्रिज है, एक नदी के ऊपर ब्रिज है, हो सकता है दुश्मन का जो स्लो जंगी जहाज आकर उसको तबाह कर दे, कनेक्टिविटी ब्रेक कर दे। इसीलिए बॉर्डर एरिया के जो लॉजिस्टिक पहुँचाने वाला ब्रिज का वीडियो और फोटो लेना बिल्कुल मना है दोस्तों। ऑलरेडी मैं आ चुका हूँ इस एरिया का, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर का ये जो हकीमपुर एरिया है, इस एरिया का सबसे इम्पॉर्टेंट लॉजिस्टिक ब्रिज फॉर द आर्मी, और सबसे इम्पॉर्टेंट नदी जिसको इछामती रिवर बोला जाता है, जो ये नदी सीधा बांग्लादेश तक जाता है। ऑलरेडी मैं ब्रिज के ऊपर चढ़ने वाला हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रिज है, और इसके ऊपर आर्मी का भी कम्प्लीटली क्या बोलते जस्ट उसका कंट्रोल है, क्योंकि इसके ऊपर से इंडियन आर्मी का लॉजिस्टिक जाता है। ये जो नदी के ऊपर मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा मैं रुकने वाला हूँ और यहाँ का सीन भी आपको थोड़ा सा दिखाने वाला हूँ। नदी के ऊपर से इस ब्रिज के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा जो जूट गांव वाले जूट को सुखाते हैं ना, उसको बस लाइक क्या करते प्रोसेस होता है शायद, उसको सुखाते हैं, सुखाने के लिए यहाँ पर वो लोगों ने रखा हुआ है। जनाब ऑलरेडी आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा, मैं यहाँ पर आधा घंटे से 40 मिनट मैं इंतज़ार करूँगा, उसके बाद यहाँ से निकल जाऊँगा। बाइक को थोड़ा सा ठंड, इंजन थोड़ा सा गर्म भी हो चुका है, लगातार 2.5 घंटे से बाइक चला रहा हूँ, तो आधा घंटा ये ब्यूटीफुल नज़ारे को मैं एक्सप्लोर करने के बाद विल गेट बैक टू माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो दोस्तों अभी मैं जो बाइक चला रहा हूँ एकदम बॉर्डर के साइड इस तरफ है बांग्लादेश, यहाँ से जस्ट कुछ ही जिस दूर आपको बांग्लादेश दिख जाएगा इस खेत के उस साइड, इस राइट साइड में आप जो खेत देख रहे हो इस खेत का उस साइड में बांग्लादेश, और ये है हम लोगों का प्यारा हिंदुस्तान। तो ये एक बहुत ही जस्ट लाइक एकदम बॉर्डर जीरो पॉइंट में ऑलरेडी मैं पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पर उस साइड में थोड़ा सा जाओगे तो आपको पूरा मिलेगा BSF का कैंप, आर्मी का कैंप। पोल्यूशन धूल, तो एक बहुत ही एक इंटीरियर विलेज है इंडिया का, इंडिया का लास्ट स्टॉपेज है, इस बॉर्डर का नाम है हकीमपुर।
तो दोस्तों ये ऑलरेडी अभी इससे ज़्यादा मैं शायद वीडियो शूट नहीं कर सकता हूँ, आर्मी का कैंप सामने ही आ चुका है, तो व्लॉग को यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। होप्स हैव एंजॉयड दिस एंटायर ब्यूटीफुल प्लेस, इंडिया बांग्लादेश हाकिमपुर बॉर्डर, उसके साथ ये जो गांव का सीन और उसके साथ मेरा ये फालतू का उल्टा पुल्टा बात करना। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।